साथियों नमस्कार। जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, आज हम जो है विश्वनाथगंज में हैं, 247 में हैं और प्रतापगढ़ ज़िले में हैं। यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ साथी दिख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या माहौल चल रहा है चुनावी का। इधर जो है बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित हो चुके थे, अशफाक अहमद जी, उनका टिकट जो है काट दिया गया है, संजय तिवारी जी को दे दिया गया है। और कुछ बीएसपी के समर्थक हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार बौद्ध है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम आपको बताना चाहते हैं कि अशफाक भाई एक ऐसे नेक दिल इंसान हैं जो हमारी बीएसपी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते। और आपको बता दें पिछले कुछ बसपा के कार्यकाल में आदरणीय संजय तिवारी जी जो है संजय तिवारी जी कौन है? संजय तिवारी जी जो है विधायक रह चुके हैं, यहाँ से पूर्व विधायक थे। हाँ, पूर्व विधायक। अभी उनका टिकट हो गया क्या? हाँ, अभी जो है प्रकरण ये है कि एक बार जो है संजय तिवारी जी का टिकट जो है मिला, उसके जानकारी नहीं थी हम लोगों को, जानकारी जो है नहीं थी। उसके बाद इनका 24 दिसंबर को जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने क्लियर किया था वहाँ पे इलाहाबाद में। हाँ, उसके बाद फिर अशफाक भाई को टिकट जो है मिला, उनका टिकट कट गया संजय तिवारी जी का। फिर उसके बाद कुछ चंद लोगों ने जब देखा कि अशफाक भाई जो है जीतने के पूरी पूरी तैयारी में हैं, पूरे पूरे कगार पे हैं, तब लोगों ने अपने औपचारिकता से और अपने तमाम प्रकरणों से जो है इनको जो है टिकट कटने का जो है पूरा काम किए हैं और इनके साथ धोखा किए हैं, इनके साथ साजिश किए हैं। अच्छा, आप किसके साथ हैं? हम अशफाक भाई के साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे और बसपा हमारे रगों में बसती है। मैं बहुजन समाज पार्टी से तो संजय तिवारी जी भी हैं, उनके साथ क्यों नहीं हैं? उनके साथ इसीलिए नहीं है कि उनके विचार जो है वो बसपा विरोधी हैं। बसपा विरोधी हैं तो बहुजन समाज पार्टी उनको कैसे टिकट दे देती है? आपको बता दें हमारे इस जो है विधानसभा में कुछ ऐसे लोग जो अधिकारी लोग हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आगाह कर देना चाहता हूं कि इन लोगों के कारण आज हमारी बसपा पार्टी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे इन्हीं लोगों की वजह से हमारी बहन कुमारी मायावती जी को भी बदनाम किया जाता है। जब हम बसपा कार्यकाल में जब आदरणीय संजय त्रिपाठी जी को जो है टिकट मिला था और ये जो है विधायक बने थे, तो हम जब 2007 में जब हम लोग जाते थे इनके पास अपने कामों को लेकर के, तो ये कहते थे कि हमने वोट को खरीदा है, आपने वोट मायावती को दिया है, जाके उनसे अपना काम करवाइए, हमसे नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा करते हैं संजय तिवारी जी? करते हैं, किए भी हैं हमारे साथ। कई लोग हम लेके गए थे तो ये कह रहे थे कि देखिए हम खरीद लिए हैं बसपा को और बसपा को वोट आप लोगों ने मायावती जी को दिया है, हमको नहीं दिए हैं, और हम जो है पूर्णता जो है अशफाक भाई के साथ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। अशफाक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ क्या होता है? करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। यहाँ बसपा के समर्थक जो है, जिंदाबाद। यहाँ पे जो बसपा के समर्थक हैं उनके चहेते अशफाक अहमद जी हैं, उनका टिकट काट दिया गया था, ये लोग कह रहे हैं अभी भी काट दिया गया, और जो है संजय तिवारी जी को दे दिया गया है। और संजय तिवारी जी जो है जातीय भेदभाव करते हैं, उनको यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है, तो अभी ये भैया बता रहे थे कि वो गाली गलौज देते हैं, क्या सही है? उनके पिताजी के द्वारा अभद्रता से फेस किया गया है 2007 में, तब से हम लोगों ने उनके यहाँ जाना छोड़ दिया था। और जो ये अशफाक भाई हैं बड़े सम्मान के साथ हम लोगों के साथ पेश आते हैं हमेशा जी। क्या आप जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे, संजय तिवारी जी को नहीं देंगे? अगर वो आते हैं तो हम नहीं दे पाएंगे उनको वोट। किसको देंगे फिर? फिर हम वोट ही नहीं डालेंगे, क्योंकि जब से हमारा वोटर लिस्ट में नाम आया है हमेशा बसपा को देते हैं। हाँ, लेकिन जब ये प्रत्याशी आ जाते हैं तो हम इनको वोट नहीं दे पाएंगे। क्या मांग है अब की बार? अशफाक भाई चाहिए हमको बस। अच्छा, अशफाक भाई को लाएंगे आप लोग, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अशफाक भाई जिस तरह से उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के बनाए गए थे, वो बहुत ही मतलब समर्पित कार्यकर्ता हैं और लोगों के सुख दुख में रहते हैं। और जो माननीय संजय त्रिपाठी जी हैं, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। आज विकास के नाम पे ये यकीन मानिए कि नाली, खड़ंजा, RCC जैसे मतलब मूलभूत जो विकास की चीज़ें होती हैं वो भी नहीं करा पाए हैं अपने क्षेत्र में। और जो बसपा के कार्यकर्ता थे, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं संजय। हाँ, 2007 में वो पूर्व विधायक थे, तब माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी,
तो हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय अशफाक अहमद जो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं तो उनको बहुजन समाज पार्टी फिर से प्रत्याशी घोषित करें। हम लोग पूरे जोश और जुनून के साथ उनको जितवाने का काम करेंगे और ये संजय त्रिपाठी जी का जो उनका व्यवहार है वो बहुजन समाज के विरोध में है, वो बिल्कुल मानवादी मानसिकता के हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अशफाक भाई ही इस विधानसभा सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया जाए और ये जिताऊ सीट थी, कोई भी इनके इर्द गिर्द मतलब टक्कर देने वाला नहीं था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से बहन कुमारी मायावती जी को जीरो ग्राउंड रिपोर्ट उन तक पहुँचे और जो बिचौलिए लोग हैं कहीं ना कहीं आदरणीय बहन जी को सही रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। सुनने में आया कि यहाँ पे जो है लोग पुतला दहन भी किए थे मुख्य सचिव। आदरणीय संजय भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बसपा हमारे रगों में बसती है, ये हम आपको बता भी चुके हैं। जो ये बसपा का जीर्णोद्धार कह लीजिए कि अब की बार होने जा रहा था विश्वनाथगंज विधानसभा से, अगर ये पूरी सीट निकली थी अशफाक भाई अगर यहाँ से आएंगे हमारा वादा है और जीतेंगे। आपको बता दें संजय तिवारी जी के आने से इनको कोई भी बसपाई जो है वोटिंग नहीं करेगा और फिर एक बार पुनः पार्टी का जो है पतन हो जाएगा। और ये आवाज़ जो हम सभी साथी युवा खड़े हैं, ये आवाज़ हमारी बहन जी तक पहुँचे और बहन जी एक बार ज़मीनी स्तर से जाँच करवा के अशफाक भाई को टिकट दें और बसपा का पूर्ण जीर्णोद्धार करें और हम सभी के पूर्व बहुमत से इनकी सरकार बने। और हम सब यही चाहते हैं कि एक बार जो है इस पर विचार अवश्य किया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर टिकट देती है, मान लीजिए वो पैसा दिए होंगे। आदरणीय संजय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपको बता दें जो भी पैसा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी पैसा लिया जाता है वो पार्टी के प्रचार प्रसार में और कार्यालय पर उनसे जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर खर्च किया जाता है। ये गलत अफवाह जो लोग फैलाते हैं ये बिल्कुल सरासर असत्य है। क्या कहेंगे आप, दोबारा मांग क्या है? आज हमारे मोबाइल पे ये आया हुआ है कि अशफाक भाई को पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे दलित समाज को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए विश्वनाथगंज विधानसभा, क्योंकि प्रत्येक गाँव में उनका विरोध हो रहा है। देखिए प्रत्येक गांव विरोध भी हो रहा है और उनका पुतला भी दहन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दबे रूप से माननीय संजय त्रिपाठी जी के कार्यकाल से बहुत ही दुखी हैं और उनका मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब माननीय बहन जी के निर्देशों पर जो पार्टी के थोड़ा से कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से क्यों नहीं मिलते? हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये माननीय बहन जी का निर्देश है, इस पर फॉलो करिए। तो हम ये मांग करते हैं कि माननीय बहन जी कोई जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है वो उन तक नहीं पहुँच पा रही है, अन्यथा इस तरह से कोई भी जो पूर्व के कार्यकाल में बिल्कुल किसी पदाधिकारी को सम्मान न देता हो, कार्यकर्ताओं को सम्मान न देता हो, अपने गांव ग्राम सभा का विकास न कर पाता हो, वो क्षेत्र का विकास क्या करेगा? और दोबारा हम उसको लाएंगे तो फिर वहीं से कहेंगे कि हम तो मायावती जी को पैसे देकर टिकट लिए, तुम लोग हाथी पे ओढ़ दिए हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद बात है। संजय त्रिपाठी जी यदि यहाँ से जीतते भी हैं तो मामूली 10-12-15 हज़ार वोट पाएंगे, पुनः ये चौथे पंचवें नंबर पर चले जाएंगे और बसपा की जो जिताऊ सीट थी उसको किसी साजिश या किसी मतलब गलत फहमी की वजह से ये सीट भी खो देगी। तो हमारी मां, आप लोग जो है मुख्य सेक्टर प्रभारियों से क्यों नहीं? बिल्कुल सर, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हों, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हों, चाहे जिला महामंत्री रह चुके हों, आप सभी से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो आप एक बार जो है सभी ग्राम सभाओं में जा करके अशफाक भाई और संजय तिवारी जी के बारे में जानकारी ले लीजिए। सबसे ज़्यादा जिसको वोटिंग होती है आप उसी को प्रत्याशी बनाइए, ये हमारा खुला चैलेंज है। यहाँ पर जो है बसपा समर्थक जो हैं अब तो अशफाक अहमद जी की मांग कर रहे हैं और संजय तिवारी जी का विरोध कर रहे हैं। माननीय बहन जी से भी मांग कर रहे हैं कि अशफाक अहमद जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए।